सब काम तो हो रहा है लेकिन शिक्षकों को समय पर वेतन कम मिलेगा। अभी 3 महीने 4 महीने हो गए जीओबी वाले का वेतन नहीं मिल पाया है, एसएसए वाला का भी वेतन नहीं मिल पाया है कहीं कहीं जिले में। तो कुल मिलाकर कहें कि जो वेतन की स्थिति है वह नदारद है, उस पर क्यों नहीं उनका डंडा चल रहा है। आप जानते हैं कि छुट्टी को स्वीकृत करना प्रधानाध्यापक का काम है और रद्द करने का भी पावर प्रधानाध्यापक का ही है, लेकिन आपको अपनी तानाशाही करनी है, पदाधिकारी का अपना रोग दिखाना है तो आप छुट्टी को रद्द कर देते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा जो है ट्रांसफर का, ये आप निश्चित रूप से इसको सुधार कीजिए। विभाग को सुधारने चले हैं तो ट्रांसफर के मुद्दा को भी सुधारिए। शिक्षा विभाग से ज्यादा बेहतर अभी किसी विभाग में काम नहीं हो रहा है। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग पाठक जी के कारनामे से तो अवगत हो ही गए हैं कि पाठक जी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या पत्र निकाल रहे हैं, रोज नया नया पत्र निकल रहा है, रोज नया आदेश निकल रहा है, रोज नया फरमान निकल रहा है, रोज कुछ ना कुछ इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। शिक्षा विभाग लग रहा है कि सबसे नंबर वन पर भी चल रहा है। शिक्षा विभाग से ज्यादा बेहतर अभी किसी विभाग में काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, वे खुश हैं अंदर से कि उनका विभाग चमक रहा है। पाठक जी दिन प्रतिदिन फरमान जारी कर रहे हैं, स्वयं वो स्कूलों की जांच लगातार कर रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं, उन्हें भी विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए कह रहे हैं, रोज भीसी करना है। कुल मिला के कहें तो ये पाठक जी का एक इतिहास रचने वाला काम हो रहा है। लेकिन मुद्दा यह है कि सब काम तो हो रहा है लेकिन शिक्षकों को समय पर वेतन कम मिलेगा। अभी 3 महीने 4 महीने हो गए जीओबी वाले का वेतन नहीं मिल पाया है, एसएसए वाला का भी वेतन नहीं मिल पाया है कहीं कहीं जिले में। तो कुल मिलाकर कहें कि जो वेतन की स्थिति है वह नदारद है, उस पर क्यों नहीं उनका डंडा चल रहा है। पाठक जी क्यों उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, वेतन के बिना कैसे शिक्षकों का घर चलता है, बूढ़े माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई आखिर कैसे होगी, घर का रसोई कैसे चलेगा, इन पर भी पाठक जी को ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है आपको बता दें कि स्थानांतरण का, शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। शिक्षक दूर से जाते हैं विद्यालय और समय पर करने की कोशिश में अभी स्थिति यह हो जा रही है कि शिक्षक मानसिक प्रेशर में है कि हमको 9 बजे ही पहुंचना है, जिसके वजह से आनन फानन में वो हाई स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, जिसके वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। स्कूल पकड़ने की आपाधापी में ये उन्हें पता नहीं चल पा रहा है, ट्रेन का रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं और ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा ट्रेन आ रहा है जा रहा है, और उसमें शिक्षिका भी कट कमर जा रही हैं। तो इस तरीके का जो फरमान है अच्छी बातें हैं, लेकिन एकाएक से इस तरीके का फरमान जारी कर देना और एकाएक से सब चीज को हावी कर देना ये कहीं से उचित नहीं है। कोई चीज का एक सिस्टम है, धीरे धीरे किसी पर वजन डाला जाता है, लेकिन यहाँ एकाएक से वर्डन डाल दिया गया जिसके वजह से शिक्षक परेशान है, हलकान है। तो उन शिक्षकों का ट्रांसफर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका सॉफ्टवेयर इस विभाग ने पता नहीं कितने दिनों में यहाँ सॉफ्टवेयर बनता है। जब शिक्षकों के संबंधित कोई कार्य होता है तो 2-2 साल 3-3 साल लग जाता है सॉफ्टवेयर बनने में। एक संविधान लिखने में भी उतना समय नहीं लगता है जितना समय एक सॉफ्टवेयर बनने में लगता है। और वही जब शिक्षकों को तंग करने वाला सॉफ्टवेयर बनाना हो, जो ई शिक्षा कोर्स का जो सॉफ्टवेयर है या इसको कहें ऐप है, वह ऐप बनाने में कितना समय आपको लगा? किसी को पता तक नहीं चला और यह ऐप बनके तैयार भी हो गया। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सरकार की मंशा क्या है। बहुत सारे कार्यों को करने की इच्छा ही सरकार की नहीं होती है कि हम ये कार्य करें। तो सबसे बड़ी मुद्दा जो है ट्रांसफर का, ये आप निश्चित रूप से इसको सुधार कीजिए। विभाग को सुधारने चले हैं तो ट्रांसफर के मुद्दा को भी सुधारिए। आपको बता दें कि विद्यालयों में शिक्षक छुट्टी ले रहे हैं और आपके ट्रस्ट अब छुट्टी लेना भी छोड़ दिए हैं। अब क्योंकि आप जहां जाते हैं, सीएल अगर कोई लिया हुआ है, एसएल लिया हुआ है, उसकी हाजिरी काट दे रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर कोई शिक्षक छुट्टी ले तो कैसे ले? उसकी कोई नियमावली तो होगी। आप कोई पदाधिकारी कहते हैं कि 30% से ज्यादा नहीं लेगा, कोई कहते हैं कि 10% से ज्यादा नहीं होगा, कोई कहता है 25% से ज्यादा नहीं ले सकता है। तो जो भी है, एक
क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो तय होना चाहिए कि हाँ 10% हिलेगा या 30% हिलेगा। और जब आकस्मिक अवकाश का नाम रखा गया है, स्पेशल अवकाश नाम रखा गया है, तो फिर छुट्टी नहीं देना। अगर 18 शिक्षक में 5 शिक्षक नहीं थे तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट गया, और ऐसे परिस्थिति में उनकी छुट्टी को रद्द कर देना। आप जानते हैं कि छुट्टी को स्वीकृत करना प्रधानाध्यापक का काम है और रद्द करने का भी पावर प्रधानाध्यापक का ही है, लेकिन आपको अपनी तनाशाही करनी है, पदाधिकारी का अपना रोग दिखाना है, तो आप छुट्टी को रद्द कर देते हैं। तो यह कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी किसी भी तरह से नियम संगत नहीं है। जो जांच अधिकारी आपने बनाया है शिक्षकों की जांच करने के लिए, तो आप यह बताइए कि जांच अधिकारी कौन, किसको बनाए हैं आपने? क्या जांच अधिकारी बनाने का कोई क्राइटेरिया आपने तय किया है? जूनियर लोगों को आप जांच अधिकारी बनाते रहे हैं, जबकि जांच अधिकारी का मतलब है जहां पर जांच करने जा रहे हैं उनसे बढ़िया होना चाहिए, और वहां भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं, और बार बार हम इस वीडियो के माध्यम से उठाते रहे हैं। एक और मुद्दा है, गैर शैक्षणिक कार्य से आप मुक्त करने का पत्र अभी मैंने देखा है कि निर्गत हुआ है, लेकिन यह बताया जाए कि गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कब तक रखा जाना है? क्या कुछ दिन बाद आपको कोई काम पड़ जाएगा तो फिर अपने आप से फिर आप लोग प्रत्यर्पण कर देंगे? उस समय तो कोई नियमावली नहीं चलती है, यह कोई नई बात नहीं। इसके पहले भी आदेश दिया गया था कि जिस पदाधिकारी के अंदर कोई प्रतिनियोजन होगा नियमों के विरुद्ध गैर शैक्षणिक कार्य के लिए, तो उस पदाधिकारी को उसका वेतन, उस पदाधिकारी से वेतन काट के शिक्षक का वेतन देना होता है। लेकिन आप यह नियम को फिर भूल गए और नई नियमावली फिर लिया, फिर प्रतिनियोजन का खेल चलने लगा, और अब प्रतिनियोजन जो है आप कह रहे हैं कि गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं होगा, तो इसका हम स्वागत करते हैं। और गैर शैक्षणिक कार्य में अगर नहीं लिया जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन यह परमानेंट तौर पर इसका इलाज होना चाहिए, न कि अस्थायी तौर पर। उसके बाद जो हम एक अगला मुद्दा रखते हैं कि पाठक जी 16 CL में किसी का काम साल में गुजारा नहीं होने वाला है। हो जाएगा, लेकिन 16 CL में कोई काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में रविवार को सारे ऑफिस में भी अवकाश होता है, विद्यालय में भी अवकाश होता है, तो जिस तरीके से शुक्रवार को उर्दू विद्यालय में अवकाश होता है, उसी तरह से हिंदी विद्यालय को अवकाश मंगलवार को कर दीजिए, रविवार को स्कूल खोल दीजिए। इससे क्या होगा कि वे शिक्षक अपना कोई भी ऑफिशियल कार्य मंगलवार को कर सकते हैं। तो ये हमारी मांग शिक्षा विभाग से अधिकारियों से है, अगर हमारी मांग पर विचार करते हैं तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।